अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत होंगे। आज से जो है ना वो संडे है, जहाँ से लोगों को छुट्टी थी, हम लोग घर पे से तो सुबह लेट उठे थे क्योंकि हफ्ता हो गया था, मेरी तो नींद नहीं पूरी हो रही थी इतने ज़्यादा उसमें। और उसके बाद जो है ना वो ये है, सुबह सुबह हम लोगों ने कपड़े धोए थे तो वो सूख चुके हैं, तो वो धो के लाई थी मैं। तो आज हम लोग, मैंने सोचा संडे है तो हम लोग कुछ अच्छा सा बना लें, क्योंकि टाइम होता है ना संडे को आपके पास, ना तो आप स्टूडेंट्स में खड़े नहीं होते। तो फिर हमने सोचा क्या बनाएं क्या बनाएं, तो फेवरेट तो एक ही चीज़ होती है, बिरयानी, पुलाव, चिकन, यही चीज़ होती है फेवरेट। तो ये जो है ना वो चिकन को भूना जा रहा है ना, तो ये इसमें चावल डालेंगे। मैंने फ्लैश लाइट ऑन कर लिया क्योंकि यहाँ पे लाइट थोड़ी कम है हमारे किचन में, तो बहुत अच्छा चावल है ये, आप लोग देख सकते हैं, ये भूना भी बहुत अच्छा है। लास्ट टाइम मैंने ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया था। और ये बड़ी चिकन बन रहा है उसके लिए, चावलों के लिए, और ये थोड़ा सा ना अलग से बन रहा है भाई के लिए, क्योंकि ही डोंट लाइक राइस, थोड़े बहुत खा लेगा, ज़्यादा नहीं खाते, तो मुझे कहा मेरे खाना बना दो, तो हम लोग में तो भाई बनाने ही बनाने थे, क्या अलग से भी खाना बनाना पड़ेगा। प्याज को भाई पहले फ्राई किया है ऑयल के अंदर, जब वो थोड़े से ब्राउन हो गया फिर उसके अंदर टमाटर मिर्चा डाली है, फिर उसके अंदर चिकन डाला है, फिर उसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया होगा ना, हाँ उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया। और उसके बाद जब आपको लगे कि ये अब अच्छे से भून चुकी हैं, फिर उसके बाद आप लोग जो है ना वो यहाँ पहले से चावल धो के उसको साफ करके रख दें। और अगर आप लोग चावलों को भिगो देंगे ना तो चावल फूल जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा, फिर उसके बाद इसमें डाल देंगे। और फिर जब हमारे चावल रेडी हो जाएंगे, और हमने कुछ और भी बनाया है मीठे में, क्या बनाया है हमने, कस्टर्ड बनाया है। सो जैसे ये कह रही हैं, अब आप थोड़ी देर हट जाएं, अपनी व्लॉगिंग हटा लें और मुझे थोड़ी सी कुकिंग करने दें। तो भाई क्या करें हम लोग, चले करने देते हैं हम इन लोग इनको। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ना ये कपड़े फैला लेते हैं जब तक, थोड़ा सा काम कर लेते हैं, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि मैं तो कोई काम ही नहीं कर रही। The next day. अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत होंगे। तो मैंने सोचा कि हमारी मम्मी का काज आज मैं अपने घर के बाहर वाले मंजर से करूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा मंजर है। और आप लोग देख सकते हैं बारिश हुई है, और सामने जो ग्रीनरी है ना वो बिल्कुल फ्रेश फ्रेश लग रही है। बारिश तो मेरे उठने से पहले ही हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके। अभी ये वाला मंजर भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा ठंडा और खुशगवार मौसम है। आज है गाइस लेबर डे, ठीक है, तो मजदूरों का दिन है, लेकिन अफसोस के आज मजदूरों को ही छुट्टी नहीं है और बाकी हर जगह छुट्टी है। हमें भी यूनिवर्सिटी से ऑफ था, ठीक है ना, तो इस वजह से जो है वो हम लोग यूनिवर्सिटी नहीं गए। तो इसलिए मैंने कल अपना हाफ व्लॉग बनाया था, उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी, और उसके बाद जो है ना वो मैं सो गई थी, तो मैं आगे आप लोगों को दिखा नहीं सकी। तो चलिए मैं अंदर जाती हूँ, मुझे अभी नाश्ता करना है, उसके बाद जो है ना वो मैं अपने सिस्टर्स के साथ थोड़ी सी प्लानिंग्स करती हूँ कि चलिए भी अब हम लोग आज कहाँ जाएँ, कुछ भी, मतलब कि इतने अच्छे मौसम में या तो घर में कुछ बना लें अच्छा सा, या तो फिर भाई को जाके खाना। ओके सो तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा, चलो मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाती रहूँगी। तो गाइस हम लोग बाहर आ चुके थे, और बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था, और हम लोगों को तो लिटरली ठंड लग रही थी। तो हम लोग ने सोचा हुआ था कि हम लोग आज जाएंगे और हम लोग गोलगप्पे खाएंगे, तो हमें हमारी नेबर ने बताया था कि यहाँ बहुत अच्छे गोलगप्पे मिलते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो जगह बंद थी, तो शायद मौसम ख़राब होने की वजह से। तो इस वजह से तो है ना वो अब हम लोग ने सोचा कि अब हम लोग वापस घर जाए, इससे अच्छा हम लोग और कुछ और ले लेते हैं, क्योंकि इतना अच्छा मौसम है तो कुछ चटपटा खाने का दिल कर रहा है। फिर हम लोग ने ये ना मार्ट से ना कोल्ड ड्रिंक्स और साथ में नूडल्स पकड़ लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने सोचा साथ में बारिश का मौसम है तो हम पकौड़े बना लेंगे, तो अब हम लोग घर जाएँगे, तो हम लोग ने यहाँ से जाके पकौड़े बनाने हैं, साथ में मैं नूडल्स बना लूँगी, और फिर हम लोग मिल बैठ के खाएँगे। हम लोगों ने पालक भी ले ली हुई है, और अब हम लोग जाएंगे और जाके पकोड़े बनाएंगे। तो ये हमारे पकोड़े बन रहे हैं, यू कैन सी हमने एक कप पानी डाल दिया था, अब हम ये दूध पर डालने वाले हैं। ओके सो एक अब हम लोग डालेंगे इसके अंदर, ऊपर रखेंगे और पहले जब एक बॉल आ जाएगा पानी के अंदर, फिर उसके बाद हम लोग उसके अंदर डालेंगे हमारी नूडल्स। तो अगर हम इसे बंद कर देंगे तो जल्दी बॉयल आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही बॉयल आएगा फिर हम लोग डालेंगे नूडल्स, तो अभी तक हमारे पानी में कोई नहीं आया, और इधर जो है ना वो हमारे पकोड़े बन रहे हैं, आई थिंक सो धुएं आ रहा है, हमारे पानी में बॉयल आ चुका है, यस। ओके हमें सबसे नूडल्स है ना मेरे इसके अंदर डाल देंगे, थोड़ा करें हम तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें सूखी नहीं पकानी, वैसे मोस्ट सूखी नहीं है। Can see that. हाँ जी, तो तकरीबन ये हो चुके हैं, अब इनके अंदर डाले जाएंगे ये मसाले, आधे घंटे लेके आते देखो। पानी वाली ना हो जाए, बस ये जब डालते रहना, जब जितने देर तक ये डाल जाएगा उसको उतने पकाना है, उसके बाद बस
इसके बाद नहीं पकाना। बंद करके डालूंगी, मैंने जैसे गैस बंद कर दिया और ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होने वाले हैं। सो यू कैन सी, ओके सो हम लोगों ने खा लिया हुआ है और इन्होंने तो पहले ही बस कर दी थी मैडम ने, ठीक है ना। तो वैसे इतना खाया भी नहीं जा रहा था, हम लोगों ने बना दिया बट खाया नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं। तो हम लोग अपने व्लॉग का करते हैं यहीं पे इख्तिताम, तो इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूँ अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूँ, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।